रविवार को रघुवंशी समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदौर के खालसा स्टेडियम में आयोजित इस परिचय सम्मेलन में बड़ी संख्या में रिश्ते भी तय हुए। वर्तमान समय में परिचय सम्मेलनों के माध्यम से युवक युवतियों के विवाह का काम आसान हो जाता है। रविवार को रघुवंशी समाज द्वारा इंदौर के खालसा स्टेडियम में समाज के युवक युवतियों हेतु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी शैलेंद्र रघुवंशी व अभिषेक रघुवंशी ने बताया कि यहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांतों से 500 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। सम्मेलन में डॉक्टर, इंजीनियर, शासकीय विभाग में कार्यरत प्रत्याशी एवं विभिन्न उच्च शिक्षित प्रत्याशियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। आयोजकों ने बताया कि यहां पर 50 से अधिक संबंध तय होने की प्रबल संभावना है। इस मौके पर समाजजनों द्वारा दहेज एवं मृत्यु भोज की कुप्रथा को समाप्त करने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। श्री रघुवंशी समाज विवाह योग युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन 2018 चतुर्थ वर्ष ही हमारा परिचय सम्मेलन का। हम लोगों को बहुत ही मध्य प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से जो प्रतिसाद मिला है, हमारे जो विवाह योग युवक युवतियाँ हैं, विवाह योग युवक युवतियों का हमारे पास 500 बायोडाटा अवेलेबल हुए। हमारे को अभी भी जो विवाह योग युवक युवतियों के जो हैं बायोडाटा, उसमें से हमारे लोग यहाँ पर परिचय दे रहे हैं और परिचय के पश्चात यहाँ पर जो रिश्ते तय होने की काफ़ी संभावना है। हमने यहाँ पर पत्रिका मिलान के लिए भी पंडित जी को कंप्यूटर पे पत्रिका मिलान का भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है और हमारी जो इस परिचय पत्रिका निकली हुई है समाज की, उसका विमोचन भी कनक बिहारी दास जी के द्वारा आज किया गया। हमारे समाज के समस्त गणमान्य जो बंधुवर हैं उनके द्वारा बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया गया है और परिचय सम्मेलन से हमको एक नया आयाम समाज को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला है और जिसमें दहेज प्रथा बंद होने का एक नया संदेश यहाँ पर हम लोगों ने दिया है और साथ ही उच्च शिक्षा की ओर भी बच्चों का जो इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि रुझान बढ़ा है और उच्च शिक्षित बच्चे यहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं।